नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला पुलिस कप्तान के निर्देशों पर चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक होटल से ऑयल की चोरी करने के अवैध कारोबार को पकड़ा है। पुलिस ने कारोबार में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी में सहयोग करने वाले होटल मालिक को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने मौके से दो टैंकर और एक पिकअप में डेढ़ दर्जन ड्रम में भरा ऑयल तथा टैंकर में भरा 18 टन ऑयल बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने में पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह ऑयल कौन सा है, कहाँ से लाया गया है और कहां पर इसकी सप्लाई दी जानी है। सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि आईजी ऑफिस में तैनात हेड कांस्टेबल संजीव कुमार ने सूचना देकर बताया कि अजमेर रोड स्थित घूमर होटल पर चोरी का ऑयल बेचा जा रहा है, जिस पर एक टीम का गठन कर मौके पर दबिश दी। पुलिस ने चोरी का ऑयल खरीद फरोख्त के मामले में एक टैंकर चालक को गिरफ्तार किया, वही दूसरा टैंकर चालक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने प्रकरण में होटल मालिक को भी हिरासत में लिया है। जोधा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। सदर थाना पुलिस के अनुसार उक्त प्रकरण में पुलिस ने शंकर सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी जालिया प्रथम, धर्म सिंह पुत्र सुखदेव तथा धर्मवीर पुत्र चंपालाल यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को प्रकरण में पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। संजीव कुमार हेड कांस्टेबल जो रेंज कार्यालय में पदस्थापित है, उनकी आसूचना पर एएसआई बाबूलाल और हमारे पुलिस टीम ने होटल घूमर है नेशनल हाईवे पे वहाँ दबिश दी। दबिश के दौरान 18 ड्रम तो भरे हुए तेल के, जो पाम ऑयल काला तेल जिसको कहते हैं, वो साबुन बनाने का काम आता है, वो भरे हुए मिले। दो टैंकर को जब्त करके लाए जिनसे ये तेल निकालते थे। एक टैंकर चालक फरार हो गया, एक को पकड़ लिया है होटल मालिक और उसके एक कर्मचारी को गिरफ्तार करके लाया। इनसे गैर अनुसंधान किया जा रहा है, ये आगे कहाँ बेचते हैं, क्या उपयोग में लेते हैं, इस संबंध में आज तफ्तीश जारी है। इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों में पीढ़ी खाते खोलने के निर्देशों को लेकर प्रदेश भर में विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी का दौर भी शुरू हो गया है। विरोध स्वरूप सरपंच ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी कर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को निकटवर्ती ग्राम पंचायत सरमालिया में भी सरपंच जनता देवी पत्नी गोवर्धन सिंह ने ग्रामीणों के साथ ग्राम पंचायत भवन पर तालाबंदी कर पीढ़ी खातों पर अपना आक्रोश प्रकट किया। तालाबंदी के दौरान सरपंच कमला देवी पत्नी गोवर्धन सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में पीढ़ी खाते खोलने के निर्देश जारी किए हैं, जो कि सरपंचों को कमजोर करने की काम किया जा रहा है। पीढ़ी खातों के बाद सरपंचों को छोटे छोटे खर्च के लिए भी सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिसके कारण गांव का विकास अवरुद्ध होगा। गुरुवार को ग्राम पंचायत भवन पर तालाबंदी के दौरान वार्ड पंच कमल भारती, जगदीश भारती, ग्रामीण नंदकिशोर प्रजापति, सांवरलाल जाट, संतोष तथा छोटी देवी आदि मौजूद थे। राजस्थान सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों ने गुरुवार को अपने बकाया भुगतान तथा अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की है। इस बाबत कर्मचारियों की ओर से डिपो मैनेजर को एक ज्ञापन दिया गया। डिपो मैनेजर को दिए गए ज्ञापन में सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की राशि माह अगस्त 2016 से बकाया चल रही है, लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले 16 माह से ईपीएफ 95 की पेंशन नहीं बनाई जा रही है, जिसके फलस्वरूप सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मेडिकल बिलों को भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने अन्य समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र ही समस्या समाधान की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में वीर विक्रम सिंह, विजय सिंह राठौर, संपत राज जांगीर, दरिया गोविंद शर्मा, अमरचंद जांगीर, अमरचंद कुमावत, सोहनलाल प्रताप सिंह, सवाई सिंह, सुरेश पारेक, नंदो सिंह, वीके शर्मा, विष्णुदत्त, जगदीश व्यास, ओंकार सिंह, सुलेमान मान सिंह, प्रेम सिंह, भंवर सिंह, तनसुख तथा चेनाराम आदि शामिल थे। आज जो है कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में 9 सूत्रीय मांग पत्र मुख्य प्रबंधक को देने के लिए सभी रिटायर्ड कर्मचारी एकत्रित हुए हैं और इसी ज्ञापन की एक कॉपी जो है मुख्यमंत्री एवं यातायात मंत्री को और SDM के थ्रू हम देने गए हैं। इसमें मुख्य मांग हमारी है अगस्त 16 से जो है ओवर टाइम, ये सारा पेमेंट हमारा बकाया है, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और मेडिकल सुविधा भी हमको रिटायरमेंट के बाद नहीं मिल रही है और
सेवानिवृत्त कर्मचारी की आश्रित के उसको यात्रावास नहीं दिया जा रहा है, उसकी भी एक मांग है। मेडिकल सुविधा बता। केंद्र सरकार की ओर से कोटपा एक्ट 2003 में किए जा रहे संशोधन के चलते देश भर के बीड़ी व्यवसाय पर संकट खड़ा हो गया है। यदि उक्त कानून में संशोधन को हरी झंडी दी जाती है तो देश में तकरीबन 15 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे, जिनकी इससे रोजी रोटी छिन जाएगी। राजस्थान में ही करीब 1.5 लाख लोग के रोजगार पर असर पड़ेगा। ब्यावर की बात करें तो इस संशोधन के प्रभावी होने से बीड़ी बनाने से लेकर बिकने एवं बीड़ी फैक्ट्री का संचालन करने वाले तकरीबन 1000 लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ सकता है। शहर में बीड़ी व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों की माने तो सरकार की ओर से जो संशोधन किया जा रहा है वह एक तरह से लोगों को बेरोजगार करने वाला है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो पूरी तरह हाथों के श्रम पर निर्भर है। इसमें किसी प्रकार का मशीनी उपयोग नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से संशोधन का निर्णय इस व्यवसाय को चौपट कर करोड़ों लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा। ब्यावर के बीड़ी व्यवसाय से जुड़े मोहम्मद उस्मान ने बताया कि सरकार की ओर से कोटपा एक्ट में जो संशोधन का निर्णय लिया है उससे बीड़ी व्यवसाय पूरी तरह चौपट होने वाला है, जिससे बीड़ी व्यवसायियों में जोरदार रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से ट्रेडमार्क को पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। ऐसे में अब कोई भी बीड़ी निर्माता अपना ट्रेडमार्क नहीं लगा सकता। इससे यह होगा कि बीड़ी कौन सी कंपनी की है इसका कोई पता नहीं चलेगा। दूसरा यह है कि सड़क पर थड़ी लगाकर रोजी रोटी कमाने वाले को बीड़ी बेचने का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके बाद भी वे दुकान में बीड़ी को छुपा कर रखेगा। दुकान पर यह उत्पाद खुले रूप से नहीं रखा जा सकता, न ही दुकान पर उसका डिस्प्ले कर सकेगा। तीसरा यह है कि 21 साल से कम के युवक को बीड़ी नहीं बेची जा सकती। पकड़ा गया तो 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि दूसरी बार पकड़ा गया तो 3 साल की सजा का प्रावधान है। सवाल यह है कि जब लाइसेंस दिया जा रहा है तो फिर बीड़ी के प्रमोशन से परहेज क्यों? दुकानदार अपनी दुकानदारी करेगा या उम्र की सत्यता जांचेगा? प्रेस वार्ता के दौरान मोहम्मद उस्मान ने बताया कि जब सरकार इसे बंद करने का ही निर्णय ले रही है तो फिर पूरी तरह से बंद इसे क्यों नहीं कर देती? सशर्त इसे लागू करने की क्या आवश्यकता है? व्यवसाय के बंद होने से देश के करोड़ों गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार जो इसी पर निर्भर है उनके रोजगार के लिए सरकार क्या करेगी? फिलहाल यह सभी सवाल अनसुलझे हैं। कोटपा में संशोधन के पीछे क्या कारण है के बारे में बताते हुए उस्मान का मानना था कि संभवतया विदेशी सिगरेट को अप्रत्यक्ष रूप से देश में उतारने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने फिलहाल 31 जनवरी तक बीड़ी व्यवसायियों से आपत्तियां मांगी है। उस्मान ने आग्रह किया है कि संशोधन के खिलाफ 31 जनवरी से पहले अपनी आपत्तियां दर्ज करवाकर इस व्यवसाय को चौपट होने से बचाने का प्रयास करें। प्रेस वार्ता के दौरान मोहनलाल खत्री, प्रभुलाल खत्री, हरीश केवलानी, ललित खत्री, जय खत्री, उस्मान खान तथा प्रेम साखला आदि उपस्थित थे। गुरुवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक 61 वर्षीय अधेड़ की मालगाड़ी की चपेट में आकर अकाल मौत हो गई। स्टेशन मास्टर की सूचना के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान संदा रोड राजमहल होटल के पीछे स्थित वल्लभ नगर निवासी 61 वर्षीय चंद्र कुमार पुत्र लक्ष्मण दास आसवानी के रूप में हुई है। जीआरपी पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार करवाने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया है। जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुबह 7 AM पर ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर ने बताया कि किलोमीटर नंबर 347/7 पर मालगाड़ी से कोई एक व्यक्ति रन ओवर हो गया। कार्रवाई कर प्राप्त सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां पर मृतक चंद्र कुमार सनोब लक्ष्मण दास जाति सिंह निवासी ब्यावर उम्र 61 साल करीबन जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे पुलिया के पास में मालगाड़ी की चपेट में आ गए, जिनकी मृत्यु हो गई मौके पे। उनको उनकी लाश को लेकर एम्बुलेंस से यहाँ AKH ब्यावर में आए, बाद पोस्टमार्टम के लाश उनके परिजनों को सुपुर्द की गई। निकटवर्ती ग्राम पंचायत सुरडिया के ग्रामीणों ने सुरडिया ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक बलवीर सिंह पर सहकारी समिति के कामकाज के लिए ग्रामीणों को परेशान करने का आरोप लगाया है। इस हेतु गुरुवार को ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। SDM को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि सहकारी समिति व्यवस्थापक ग्राम पंचायत में महराज जाति के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में इन किसानों को लाभ मिल रहा था, लेकिन विगत 2 वर्षों से व्यवस्थापक जातिवाद के चलते
किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि व्यवस्थापक किसी भी योजना में लाभ लेने के लिए आवेदन करने पर जयपुर से उनका नाम कट जाने के बाद कहते हुए टरका देता है। ग्रामीणों का आरोप है कि व्यवस्थापक द्वारा महराज जाति के अलावा रावत जाति के लोगों को नए नए सदस्य बनाकर उन्हें योजना का लाभ दिया जा रहा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने व्यवस्थापक को हटाकर सहकारी समिति में पनप रहे भाई भतीजावाद को समाप्त करते हुए वंचित लोगों को भी लाभ दिलाने की मांग की है। एसडीएम को ज्ञापन देने के दौरान आनंद सिंह सोडिया, राजू सिंह, सोहन सिंह, प्रेम सिंह, संपत लाल, लक्ष्मण सिंह, कालू सिंह, चुन्नी सिंह, सोहन सिंह, डूंगर सिंह, भंवर सिंह तथा नारायण सिंह सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झूलेलाल युवा सेवा समिति द्वारा गुरुवार को अमर शहीद हेमू कालानी के 89वें जन बलिदान दिवस पर स्थानीय नंदनगर स्थित पूज्य श्री झूलेलाल साहिब मंदिर के ऊपरी हॉल में पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में हेमू कालानी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किए गए। इस दौरान कशिश फतनानी ने देश धर्म तातु थिए कुर्बान हेमू तो बधायो भारत जो शानु कविता प्रस्तुत की। भानु थावानी ने हेमू कालानी का जीवन परिचय दिया। खुशी मुरझानी ने जोशीला गीत जागो जवानों पेश किया। इस दौरान वैभव मुरझानी ढोलक पर सहयोग किया। सिंधी सेंट्रल समाज के संरक्षक हरिकिशन तिलोकानी ने समाज में एकता बढ़ाने हेतु युवाओं को आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम संयोजक महेश खत्री ने सभी का स्वागत किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लक्ष्मण गुरनानी, डॉक्टर एच के आनंदानी, मूली तिलोकानी, कमल सुंदर चचलानी, रवि आस्तानी, प्रदीप फुलवानी, जेके तिलोकानी, कमल आवासवानी, महक फतनानी, श्रीमती लता गंगवाली, तुषार खत्री आदि मौजूद थे। कार्यक्रम सह संयोजक रमेश आलवानी ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन दिलीप खत्री ने किया। अंत में शहीद की छवि के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसी प्रकार अमर शहीद हेमू कालानी के 89वें बलिदान दिवस पर सिंधी शिक्षा शागिर्द मित्रों द्वारा स्थानीय ब्रह्मानंद धाम स्थित वृद्धाश्रम में हेमू कालानी की छवि पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि तथा वृद्धजनों की सेवा का श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर सानिया खुबानी, सुहानी वसंदानी, दादी सोना खत्री, द्रौपदी भोजवानी, ऋतु टवरानी, भोजवानी तथा दीपिका टवरानी आदि ने अपनी सेवा। शहर के करबुला मार्ग पर निर्माणाधीन विकास पथ का निर्माण कार्य लंबे इंतजार के बाद शुरू हो गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से विद्युत निगम में विद्युत पोल शिफ्ट करने को लेकर राशि जमा कराने के बाद विद्युत निगम द्वारा विद्युत पोल शिफ्ट करवा दिए गए हैं। विद्युत पोल शिफ्ट होने के बाद संबंधित ठेकेदार द्वारा करबुला मार्ग पर 1 किलोमीटर लंबे विकास पथ का निर्माण शुरू करवा दिया गया है। करबुला मार्ग पर क्षतिग्रस्त सड़क के चलते ग्रामीणों व आसपास के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं अब सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करबुला मार्ग पर 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण विकास पथ के रूप में करवाया जा रहा है, जिसके तहत मौके पर सड़क विस्तारीकरण में नाले के करवाया जा रहा है। सड़क पर अधिकांश जगह दोनों ओर नाले का निर्माण हो गया है। इसी कार्य के तहत सड़क विस्तारीकरण की जद में आ रहे 4 विद्युत पोल को भी शिफ्ट करवा दिया गया है। मालूम हो कि मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्षेत्रवासियों ने बताया कि उक्त सड़क मार्ग ग्रामीण क्षेत्र को शहर से जोड़ता है तथा 35 से अधिक गाँव शहर से जुड़ते हैं। सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है। इसके साथ ही सड़क से उड़ती धूल मिट्टी के कारण आसपास के निवासी एवं दुकानदारों को परेशानी होती है। मार्ग पर हुए गड्ढे व उनमें भरा पानी भी वाहन चालकों के लिए परेशानी बना हुआ है। विकास पथ का निर्माण पूर्ण होने के बाद ही लोगों को सालों पुरानी समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। भारत विकास परिषद शाखा ब्यावर की महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजित उड़ान सप्ताह का समापन समारोह केसनंदन गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें बालिकाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि व्याख्याता एसडी कॉलेज ब्यावर डॉक्टर सुलक्ष्मी तोषनीवाल थी, जबकि अध्यक्षता राजेंद्र काबरा शाखा अध्यक्ष ने की। मुख्य अतिथि ने भारत माता एवं विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महिला प्रभारी निशा खंडेलवाल ने अतिथियों का अभिनंदन किया तथा उड़ान सप्ताह के आयोजन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर तोषनीवाल ने कहा कि रामायण काल में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया। उन्होंने अपने संबोधन में बेटियों को उच्च शिक्षा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक स्तर पर अनेक योजनाएं लागू की है, जिससे उन्हें आसानी से शिक्षा दिला सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अतिथि डॉक्टर अंजना राठी, प्रसूति विशेषज्ञ ने महिलाओं के स्वास्थ्य, जीवन को कैसे स्वस्थ रखे तथा कैसे छोटे छोटे टेस्ट से जीवन को सुरक्षित रख सकते तथा वैक्सीन लगाने के फायदों को विस्तार समझाया। भाषण प्रतियोगिता में निर्णायक रही वीना नाहर ने बेटियों पर बहुत ही सुंदर स्वरचित कविता सुनाई। कार्यक्रम के दौरान चेतना संस्कार शाला के बच्चों द्वारा नारी में दम नहीं है कम गीत पर सुंदर राजस्थानी नृत्य की प्रस्तुति दी।
समारोह के दौरान 23 प्रतिभावान बालिकाओं का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य थी दादी सिस्टर्स, जिन्होंने गांव-गांव जाकर महिलाओं को मासिक धर्म, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दी एवं 15,000 से ज्यादा पैड्स वितरित किए। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में ब्यावर में अव्वल रही 5 छात्राओं को एवं राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल आने वाली 9 बालिकाओं को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त अपने हुनर से अपने पैरों पर खड़ी 7 बालिकाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान परिषद के संरक्षक लक्ष्मण दास गोंडा ने सचिव प्रशांत पाबोवाल, भागीरथ हेड़ा, इंदु काबरा, अमिता गुप्ता, रेखा सोमानी, अंजना मुंद्रा, स्वाति जैन, कमलेश बंटी, ज्योति माहेश्वरी तथा शोभा सोमानी सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर के साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड स्थित जोगनिया माताजी धाम पर गुरुवार को भंडारे का आयोजन किया गया। माताजी मंदिर परिसर में आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष श्रद्धालुओं ने माताजी का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दाल बाटी व चूरमे का प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना गाइडलाइन की पालना की गई। भंडारे के दौरान रामलाल बाथरा, मुरली साहू, अशोक कुमार, हेमंत शर्मा, कैलाश साहू, रामस्वरूप साहू, पिंटू साहू, सुनील साहू, चंपा साहू तथा लालचंद साहू सहित अन्य श्रद्धालुओं ने अपनी सेवाएं दी। सिंधी सेंट्रल समाज संस्था नई की ओर से बुधवार को नंदनगर स्थित संस्था कार्यालय पर अमर शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान अमर शहीद हेमू कालानी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि की गई एवं उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान गायों को चारा, लापसी व गुड़ खिलाया गया एवं कबूतर एवं चिड़ियाओं के लिए मक्की एवं बाजरी की सेवा की गई। अंत में 2 मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के अध्यक्ष टेवराम मंगला ने सचिव एडवोकेट भानु बोधीजा, संस्था के कोषाध्यक्ष एवं सर्व सिंधी समाज महासभा के जिलाध्यक्ष भगवान भंबानी, किशन भाटिया, आसनदास खत्री, गोपाल नाथानी, भावेश गगवानी, अशोक दातवानी, अशोक भंबानी, गोर्धन खत्री तथा श्यामलाल आदि समाज के गणमान्य एवं वरिष्ठ जन मौजूद थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सदर थाना पुलिस के अवैध ऑयल कारोबार पर कार्रवाई, 2 टैंकर सहित जब्त किए ऑयल से भरे 1.5 ड्रम। कोटवा में संशोधन से बीड़ी व्यवसाय पर खड़ा हुआ संकट, नियमों की पेचीदगियां ऐसी कि पालना करना होगा मुश्किल। जुड़ेलाल युवा सेवा समिति ने मनाया शहीद हेमू कालानी का बलिदान दिवस, विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अर्पित किए श्रद्धा सुमन। और सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों ने डिपो मैनेजर को दिया ज्ञापन, कर्मचारियों के बकाया भुगतान की रखी मांग।